अस्सलाम वालेकुम। आज आपको चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा का डो तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा का डो तैयार करने के लिए हमने मैदा लिया है 4 कप, हमीर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच और नीम गर्म पानी हसबे ज़रूरत। एक बाउल में मैदा, हमीर, चीनी और नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑयल और नीम गर्म पानी डालकर नरम डो गूंद लेंगे। पानी से नरम डो गूंद लिया है, अब इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक गूंद लेंगे। पिज़्ज़ा का डो गूंद लिया है, अब इस पर ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे तक राइज होने के लिए रख देंगे। चिकन टिक्का बनाने के लिए चिकन बोनलेस ली है 1/2 किलो, इसको छोटे क्यूब में काट लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच और दही 3 खाने के चम्मच। चिकन में दही, लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ऑयल और 1 से 2 चुटकी रेड फूड कलर डालकर मिक्स कर लेंगे। चिकन में सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब इनको मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। चिकन टिक्का बनाने के लिए पैन को गर्म कर लिया है, अब इसमें चिकन डाल देंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। चिकन टिक्का तैयार है, अब इसको निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा डो अच्छी तरह से राइज हो गया है, अब इसको हल्का सा पंच करेंगे। और इसके 2 हिस्से काट लेंगे। डो के 1 हिस्से को ग्रीस की हुई पिज़्ज़ा ट्रे पर बिछा देंगे। पिज़्ज़ा डो को बेकिंग ट्रे में बिछा दिया है, अब इस पर कांटे से निशान लगा लेंगे। और इसको दोबारा 10 मिनट तक राइज होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस हसबे ज़रूरत है, आपको जितनी पसंद हो उतनी लगा लें। अब इस पर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे।
अब इस पर 3 कलर की स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्चें, अब इस पर चिकन टिक्का, अब इस पर दोबारा मोजरेला चीज डाल देंगे। अब इस पर कटे हुए सब्ज़ जैतून डाल देंगे। अब इस पर आधा चाय का चम्मच ओरिगानो डाल देंगे। और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डाल देंगे। आप पिज़्ज़ा को ओवन में बेक कर लेंगे। ओवन को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट पहले फ्री हीट कर लिया था। पिज़्ज़ा को 15 से 20 मिनट तक ओवन में बेक कर लेंगे। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।